गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू। आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में आपका वेलकम है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन, वो भी लेसन थ्री। लेसन वन और टू को मैंने पिछले वीडियो में बनाकर दे दिया हूँ, आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। ये लेसन थ्री है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या नाम है दोस्तों? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके अगर पोएट हैं डब्ल्यू एच ऑरेन। बोर्न, इनका जो जन्म है 21 फरवरी 1907 यॉर्क यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और डाइड, मृत्यु की बात किया जाए तो 29 सितंबर 1973 वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिस्ट्री में आपने वियना सम्मेलन के बारे में पढ़ा होगा, वही वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। बुक्स, इनकी जो बुक्स की बात किया जाए तो द एज ऑफ एनएक्सटी, द सी एंड द मिरर, द डायर्स हैंड और उसके द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, फॉर द टाइम बेइंग, न्यू ईयर लेटर, ये इनकी इतना बुक्स है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन। देखिए तो अब हम लोग ये पोएम चलेंगे। इस पोएम का नाम मैंने बता चुका, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए दोस्तों, मनुष्य का जीवन, मानव जीवन जो होता है वो मरणशील होता है। जितने भी इस धरती पर आए हैं सभी को एक दिन ना एक दिन यहाँ से जाना है। यहाँ पे मानव के जीवन को तुलना पेड़ से किया गया है। इस लेसन का नाम ही है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो अब फर्स्ट लाइन जो है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। इसका मतलब होता है अब पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही है। देखिए दोस्तों, जब जन्म हुआ है तो समझिए कि मृत्यु भी निश्चित है, अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। आज जो है जन्म लिए हैं उसके बाद आपके जो आयु है वो बढ़ नहीं रहा है, आपकी मृत्यु के नज़दीक जा रहा है। बहुत से लोगों का सोचना है कि अब जो है मेरा आयु बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि मानव जीवन या किसी भी जीव का जो जीवन होता है एक निश्चित होता है, उसे मृत्यु अंत है। तो इसमें कविता के माध्यम से कवि यह दर्शाना चाह रहे हैं कि मानव जीवन और पेड़ दोनों में क्या है। वही कहते हैं अब पत्तियां तेज़ी से गिर रही है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब हुआ अब पत्तियां तेज़ी से गिर रही है। नर्सेस फ्लावर, देखिए नर्सेस फ्लावर का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बड़ा बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे फूल वगैरह लगे हुए हैं, तो उस जो छोटे फूल हैं जो बड़े पेड़ के नीचे में हैं उसी को नर्सेस फ्लावर कहा जाता है। तो नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, यानी छोटे छोटे फूलों भी नहीं टिकेंगे। देखिए बोल रहे हैं अब पत्तियां तेज़ी से गिर रही है और छोटे छोटे फूल भी जो है, छोटे छोटे पौधे वाले फूल भी, वो भी नहीं टिकेंगे, अर्थात उनका भी समाप्त होगा। नर्सेस टू द ग्रोव्स आर गॉन, देखिए ग्रोव्स मतलब होता है कब्र। छोटे छोटे पौधे कब्र की ओर बढ़ चुके हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो कब्र की ओर बढ़ चुके हैं। बड़े पेड़ के पत्तियां नष्ट हो रही है, छोटे छोटे पौधे के फूल भी नहीं टिकेंगे और छोटे छोटे पौधे भी जो है कब्र की ओर बढ़ चुके हैं। मतलब कि इंसान जन्म लिया है तो वो अब मृत्यु के आगोश में समाएगा, उसका मृत्यु सामने आने वाली है। तो मृत्यु मतलब कोई टाल नहीं सकता है, कोई सोच ले कि मृत्यु को हम टाल ले ये हो नहीं सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट अष्टांजा में है, व्हिस्परिंग नाइवर्स लेफ्ट एंड राइट पिक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। यानी इसका मतलब है कि व्हिस्परिंग नाइवर्स यानी यमदूत, देखिए व्हिस्परिंग नाइवर्स लेफ्ट एंड राइट यानी दाएं और बाएं यमदूत है, आपके दोनों तरफ से यमदूत है, दाएं भी है और बाएं भी है, किसी भी समय आपकी मृत्यु हो सकती है, इसका कोई रियल जानकारी नहीं बता सकता है।
पलक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, वास्तविक आनंद लेने से हमें रोकते हैं। देखिए दाएं बाएं यमदूत है, वो हमें मतलब कब मेरे जीवन को समाप्त कर देंगे, कब हम वास्तविक आनंद लेने से रुक जाएंगे, ये कोई कह नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है। वही कह दाएं और बाएं यमदूत है, वास्तविक आनंद लेने से हमें रोकते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और क्या बताया जा रहा है, और चंचल हाथों को काम करने पर मजबूर कर दिया है। जब दोस्तों पता है आपको जब जीवन समाप्त हो जाएगी तो आपके हाथ ऐसे कड़क ठंड पड़ जाएंगे जैसे मानो एकदम जम चुके हैं आपके हाथ, सक्रिय हाथ, वो सब ऐसा हो जाएंगे जो किसी भी काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, अर्थात वो जम जाएंगे, मस्ट फ्रीज जैसा हो जाएंगे। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और तनहा अलग अलग घुटनों पर हो गया है जीवन आपका, जो अभी परिवार के बंधन में बंधे हैं, जो अभी 10 गो बीच में रह रहे हैं, उससे आप अलग हो जाइएगा, आपका जीवन अलग हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। वही कहते हैं लोनली ऑन द सेपरेट नीज, तनहा अलग अलग घुटनों पर हो गया है। इस प्रकार से दूसरा स्टांजा था। अब नेक्स्ट स्टांजा में देखिए क्या बताए हैं कवि, डेड इन द हंड्रेड्स एट द बैक। देखिए आपको पता है कि जो लोग आए हैं एक ना एक दिन मरेंगे, और बहुत से लोग आए भी थे और इस दुनिया से चले भी गए हैं। तो ये करें डेड इन द हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, यानी सैकड़ों लोग जो है मर चुके हैं। सही बात है, आपके भी पूर्वज बहुत से होंगे, वो इस दुनिया से चले गए होंगे, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, लकड़ी की ताबूत में इन्हें ले जाया गया है। देखिए सब मरे हैं, सभी को लकड़िए के ताबूत पर, पेड़ के कोई अंश पर उसे बैठा करके ले जाया गया है। तो यही दो लाइन में सैकड़ों लोग मर चुके हैं, लकड़ी के ताबूत पर इन्हें ले जाया गया है। नेक्स्ट है आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, यानी हथियारा भी लोग आदमी को ही मारने और धमकाने के लिए उठाते हैं। देखिए जो हथियारा होते हैं, जो किसी की जीवन मार को समाप्त करने वाले होते हैं, जो किसी का खून करने वाले होते हैं, वे भी क्या कैसे लोग होते हैं, वो दोनों हाथ उठाते हैं और किसी को मारते हैं। यानी हथियारा भी लोग आदमी को ही मारने और धमकाने के लिए हाथ उठाते हैं। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, तो मनुष्य मानो ईश्वर से कह रहा है कि हे ईश्वर, इस संसार में लोगों का प्रेम ढोंग है, क्योंकि आपने जीवन दिया है तो फिर मृत्यु भी दे दिया है, क्योंकि आज हम सभी प्रेम के बंधन से भाई पिता माई सबसे प्रेम से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने मेरा जीवन को ले लिया, मेरे परिवार को किसी का जीवन को ले लिया, अर्थात ये जो प्रेम बना हम लोग में वो एक तरह से झूठा प्रेम बना, आखिर क्यों मुझे जन्म दिया जब मुझे उठाना ही था, तो आखिर मुझे क्यों इस धरती पर भेजा एक दिन मुझे जब उठाना था। वही कहते हैं कि इस संसार में लोगों का प्रेम ढोंग के समान है, इस तरह से कभी कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे क्यों इस धरती पर लाया था, जब उठाना ही था, झूठा प्रेम क्यों दिया मुझे, प्रेम में बंधन में बांध दिया, आवाज मुझे मृत्यु दे रहे हो। अब देखें नेक्स्ट अष्टांजा में क्या है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर दियर फूड, यानी वीरान जंगल में लोग भूखे मर रहे हैं। आज देखिए ऐसा भी हो गया है कि बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं, वीरान जंगल में भूखे लोग मर रहे हैं, बदशकल जिन भोजन के लिए भटक रहे हैं। आज ऐसा हो गया कि जंगल में बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं और बहुत से लोग भोजन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। एंड द नाइटिंगल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम, देखिए आज जो है बुलबुल भी गूंगी हो चुकी है, बुलबुल का गान बहुत सुंदर होता है, लेकिन आज बुलबुल भी जो है गूंगी हो चुकी है, और आज ऐसा हो गया कि कोई भी देवदूत कोई भी एंजल हमें सुधारने के लिए नहीं आएगा, नहीं आता है, कोई फरिश्ता हमें बचाने को देखने को नहीं आता है। इस तरह से कवि जो है एक मानव जीवन के बारे में पेड़ों से जोड़कर कविता को दर्शाए हैं। अब देखिए अब जो कवि हैं नेक्स्ट अष्टांजा में क्या कहते हैं,
कोल्ड इम्पॉसिबल, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लॉनली हेड, यानी कोल्ड मतलब होता है ठंडा, ठंडा और असंभव सामने पहाड़ों की श्रृंखला का सुंदर शिखर, यानी जब आप पहाड़ों की ओर बढ़िएगा दोस्तों, हिमालय पहाड़ की ओर बढ़िएगा, बर्फ से ढका हुआ है तो आपकी ठंड जो है बढ़ने लगेगी, तो ठंडा असंभव सामने पहाड़ों की श्रृंखला का सुंदर शिखर, हुज व्हाइट वाटर फॉल कोड ब्लेस ट्रेवल्स इन दियर लास्ट डिस्टेंस, मानिए कि सामने पहाड़ है, उस पर झरना है और सफ़ेद सफ़ेद झरना का पानी गिर रहा है, अब मानो आपको आशीर्वाद दे सकता है, वही कह रहे पहाड़, ठंडा असंभव सामने पहाड़ों की श्रृंखला का सुंदर शिखर जिसका सफ़ेद झरना आशीर्वाद दे सकता है, ट्रेवल्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस अपने संसार से विदा होने वाले यात्रों को देता है, जितने भी इस धरती पर आए हैं सभी को एक दिन ना एक दिन जाना है, और ये आपकी जो झरना है सफ़ेद झरना आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपको विदा होने वाले यात्रों को खुशी बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए आपको आशीर्वाद दे रहा है। इस प्रकार से कवि ने बहुत ही मनमोहरी मनुष्य का स्थिति का बारे में वर्णन किया है, तो मैं आपके लिए वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि आपके लाइन बाय लाइन इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी है, आप स्क्रीन शॉट करके नोट्स बना सकते हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से ही मुझे वीडियो बनाने की हौसला को बढ़ाता है। थैंक यू।